तो इतनी देर से खिचड़ी जी हम सबको नचा रहे थे मदारी बन के, अब मैं चाह रहा हूँ वो भी तो नाचें। हमारा नाच तो दिखा दिया सबको, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे खिचड़ी जी। मैं चाहता हूँ खिचड़ी जी को मैं आमंत्रित करूँ। दोस्तों देश का 10 देशों में काव्य पाठ कर चुके, देश का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कवि हास्य व्यंग का, क्या आप सुनेंगे आपको मजा आएगा। और आप खिचड़ी जी को जोरदार तालियों से एक बार बुलाइए, उसके बाद हम दादा प्रमोद तिवारी को सुनेंगे और फिर समापन होगा। खिचड़ी जी आमंत्रित। हाँ बंधु, मैं तो हंसाने के लिए, मेरा नाम खिचड़ी आपको पता ही है, और ये अलका जी मुझे कह रही थी आप तो बेबस हैं, बूढ़ा गए हैं, अपने बालों का ध्यान रखो, ऐसे कह रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, अरे सफ़ेद बालों की ऐसी की तैसी। अच्छा लग रहा है, आप हंस रहे हैं तो अच्छा लगता ही है, हंसता हुआ तो आदमी अच्छा लगता ही है, चाहे उसके मुंह में एक दांत भी ना हो। रोता हुआ आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे उसके मुंह में 32 के बजाय 36 दांत हो। बस थोड़ा सा और हंसिए, 2-4 लाइन कहता हूँ, मैं धार्मिक आदमी हूँ, आपको लग ही रहा होगा। हाँ, मेरे बाद हमारे बहुत ही मशहूर, दुनिया में मशहूर ऐसे गीतकार हैं भाई प्रमोद तिवारी जी, कानपुर से आए हैं, आप उनको जी भर के सुने। 5 मिनट का समय बाकी है। आपकी छूट है, आपको सारे अधिकार हैं, राइट सब आपके पास है, मेरी तो बस 4 लाइन सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, कारण है कि हमारे देश में 33 कोटि भगवान तो पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब है। देखो कोई चैनल खोलो, हर चैनल पर कोई ना कोई भगवान जमा हुआ है, मैंने खुद देखा है। एक भगवान सिंहासन पर विराजमान, एक लड़की आई आकर बोलती है, बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं बचता, बाबा जी मैं क्या करूं। बाबा जी वॉच। भगवान बोले ये बॉयफ्रेंड कहाँ से आ रहा, क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया। लड़की ने कहा नहीं बाबा जी अभी नहीं बनाया, बस इसीलिए रुकी हुई है कृपा। तो ऐसे ऐसे भगवानों के लिए मुझे लिखना पड़ा है कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, उनमें से किसी भगवान को, चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कि शमशान को, और चाहते हो घर कि वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को, तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को। और मुझे कह रहे थे आप तो बापू आसाराम लगते हैं, ये कह रहे थे, तो आप कह रहे थे तो मुझे भी कहना पड़ता, मैं आसाराम लगता हूँ तो वो नारायण साईं हैं। वो नारायण साईं हैं तो ये इधर देखो, ये इच्छाधारी बाबा है, उसके बाद जगत गुरु रामपाल हैं, और वो राधे माँ है। देखो बजाओ बजाओ। हाँ इसलिए हंसी कहीं से भी निकलती है, और हंसते हंसते, हाँ नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, इसलिए बस इतना ही समझ लो बाबा क्या करते हैं। बस मेरी एक गज़ल के 2-3 शेर मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं। क्या करते हैं बाबा, और इससे कितना सचेत होने की ज़रूरत है, कवि वही होता है जो दशा का वर्णन करे और दिशा का संकेत करे, कि अंधों को आँखें बहरों को कान देते हैं, अंधों को आँखें बहरों को कान देते हैं, बाबा जी बंध्याओं को संतान देते हैं, बाबा जी बंध्याओं को संतान देते हैं। और सुनिए अगला शेर, शेर क्या सभा शेर, के हाईटेक संचार क्रांति के वैज्ञानिक युग में, अनपढ़ बाबा पढ़े लिखों को ज्ञान देते हैं, अनपढ़ बाबा पढ़े लिखों को ज्ञान देते हैं। और सुनिए, बाज कबूतर तोते करके रखते हैं पर कैच, बाज कबूतर तोते करके रखते हैं पर कैच, बाबा चिड़ियों को ले साथ उड़ान देते हैं, बाबा चिड़ियों को ले साथ उड़ान देते हैं। और आखिरी शेर कह देता हूँ, मतलब मक्ता पेश करता हूँ, कि तनमन धन सर्वस्व समर्पण जो चेले कर देते,
तन मन धन सर्वस्व समर्पण जो चेले कर देते तो खिचड़ी बाबा उनको ही वरदान देते हैं, खिचड़ी बाबा उनको ही वरदान देते हैं।